कंवर प्रदीप सिंह को राज्य परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया गया। इस खबर से सोलन भाजपा विविध कार्यकर्ताओं में भारी खुशी देखने को मिली। वहीं इस मौके पर नवनियुक्त कंवर प्रदीप सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर उन्हें राज्य परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद में सदस्य नियुक्त करने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता राजेश कश्यप का धन्यवाद किया। कंवर ने बताया कि भाजपा सरकार जनता से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से ले रही है और उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित भी है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया है। कंवर प्रदीप सिंह ने इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने जब से सत्ता संभाली है तब से वो प्रदेश वासियों की सड़क सुरक्षा लेकर बेहद चिंतित हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में हो रहे जानी नुकसान को काफी हद तक नियंत्रण में किया है और दुर्घटनाओं में हो रहे जानी नुकसान को और कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने कई नियमों का गठन किया है, जिसमें प्रत्येक जिले से सदस्यों को नामांकित किया गया है। यह सदस्य अपने जिले में हो रही दुर्घटनाओं और सड़क सुरक्षा पर किस तरह काम किया जा सकता है, इस पर स्थानीय लोगों के सुझावों को लिया जाएगा और प्रदेश के समक्ष रखा जाएगा। जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है ये राज्य परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद के तहत बतौर सदस्य इसमें लिया गया है। इसमें हमारा प्रमुख तौर पे ये रहेगा कि जो दुर्घटनाएं हो रही है प्रदेश के अंदर, उन दुर्घटनाओं को हम कैसे कम करें। वैसे तो दुर्घटनाएं अगर हम बात करें 12 से पहले जितनी ज़्यादा होती थी, अब हमारी जो प्रदेश सरकार है उसने बहुत सराहनीय प्रयास किए, दुर्घटनाएं कम हुई है, लेकिन उसको और कम कैसे किया जाए इस पर हमारा बहुत जो है हम बल देंगे और जो भी महत्वपूर्ण सुझाव हमें जनता से मिलेंगे उसको हम इस काउंसिल के माध्यम से सरकार के समक्ष रखेंगे।